नमस्कार, मैं राधिका लोहिया श्री मोहरी देवी टापरिया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वदेशी प्रबंध के बारे में। ये स्वदेशी प्रबंध के चरण हैं। उद्देश्य द्वारा किया गया प्रबंध स्वदेशी प्रबंध कहलाता है। स्वदेशी प्रबंध की प्रक्रिया के चरणों में है। सबसे पहला आता है संबोध संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका स्टडी मेन पर्पस होगा, ठीक है, इसी एजुकेशन। तो इस प्रकार से सौदेश्य प्रबंध होता है।